हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम लोग इनऑर्गेनिक का बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है जिसका नाम है हाइड्रोजन। समझ में आती है? वेरी गुड, और ये इंपॉर्टेंट भी है। चलिए, हालांकि हाइड्रोजन एक सिंपलेस्ट एलिमेंट है, ठीक, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर केमिस्ट्री। बात समझ में आती है? कैसे, तो देखते हैं। हाइड्रोजन हमारे अर्थ से बॉडी तक, फिर से समझिए, हाइड्रोजन हमारे अर्थ से लेकर बॉडी तक में प्रेजेंट प्रोटीन, विटामिन, अमीनो एसिड, हम जो खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। हमारे अर्थ का क्रस्ट यानी ऊपरी सतह, क्रस्ट मतलब ऊपरी सतह, हाइड्रोजन से बना हुआ है। हमारे आसपास जो यूनिवर्स है वो भी हाइड्रोजन से बना हुआ है। हमारे आसपास जो यूनिवर्स है किससे बना हुआ है? वेरी गुड, हाइड्रोजन से, ठीक है। और जो हमारे प्लैनेट्स है, जो बड़े बड़े प्लैनेट्स है लाइक जुपिटर, सैटर्न, इसके अंदर भी हाई क्वांटिटी में क्या है? हाइड्रोजन है। बात समझ में आती है? वेरी गुड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोजन देखने में भले ही सिंपलेस्ट, कैसा, सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट है, बट उसकी केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक रिएक्टिव नेचर शो करता है सबके साथ, और सबके साथ रिएक्शन भी कर लेता है। बात समझ में आती है? इसलिए हम लोग इसको यहां पर पढ़ेंगे, ठीक। हालांकि अभी तक हाइड्रोजन की कोई पोजीशन नहीं दी गई है, हालांकि इसको देने के लिए मेंडलीव ने बहुत सोचा बट फेल हो गया। इसके बाद मोस्ले ने भी इसका पोजीशन के बारे में बहुत सोचा बट उसके बाद पोजीशन तो नहीं दे पाया, बट उन्होंने बोला कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट पीरियड है उसमें लेफ्ट टू राइट आप कहीं पर भी हाइड्रोजन को रख सकते हो। बात समझ में आती है? चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स को। हाइड्रोजन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, इट इज फाउंड इन द, ध्यान दीजिएगा, फाउंड इन द फर्स्ट पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। वेरी गुड, समझ आती है? चलिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम। क्या कारण है? बिकॉज इट हैव ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आती है? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होते हैं। चलिए, नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायएटॉमिक स्टेट, यानी H2, ठीक है। सो हाइड्रोजन इज नॉन एज, क्या बोलेंगे इसको, एज डाई हाइड्रोजन। समझ में आती है? मतलब किसमें एग्जिस्ट करता है? डायटोमिक H2, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, डाई हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए, हालांकि क्यों नहीं, हम लोग जानते हैं कि कभी कभी हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, अल्कली मेटल के साथ या हाइड्रोजन के साथ रखते हैं। कभी कभी देखते हैं
सेंटर पॉइंट पे रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ। ऐसा क्यों होता है तो हम लोग यहीं पर देखेंगे। तो लिखते हैं बार पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। ठीक। हालांकि या तो हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे लाइन या हम लोग डेटा बनाकर, हालांकि डेटा बनाकर आप लोग लिखते हैं ताकि हमें इसकी पोजीशन के बारे में आराम से पता लग सके। हालांकि यहां पर स्पेस कम हो जाएगा इसलिए अपन कहां पर आते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक। चलिए मैं कुछ डेटा बना रहा हूं। ये है हमारे पास अल्कली मेटल, दूसरा है हमारे पास हैलोजन और लास्ट है हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है। ध्यान दीजिएगा सर, पहली बात, पहला पॉइंट बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ आप समझ जाइएगा। ठीक। बताइए अल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वन मत लिखिए, एन, एन मतलब सेल या ऑर्बिट, एस वन। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वन। यहां पर क्या हो जाएगा? एन एस एन पी सेवन। ठीक है ना। उसके बाद यहां पर कितना हो जाएगा? वन एस वन। सेकेंड बात, ये तो हमारे पास पहला पॉइंट हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात करते हैं आयंस की। आयंस मतलब, ध्यान दीजिएगा, मतलब मेटल क्या, ये मेटल है, मेटल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इस पे चार्ज यानी एक इलेक्ट्रॉन। हैलोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस लेगा यानी गेन करेगा, तो इसमें कैसा हो जाएगा, ए। हाइड्रोजन क्या करेगा बताइए, यानी हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो कैसा दिखेगा, माइनस, या हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो किस तरह से दिखेगा, इस तरह से। देखिए हालांकि अगर जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसके ऊपर जो चार्ज आता है उसको बोलेंगे अपन यूनी निगेटिव, जबकि इसको क्या बोलेंगे, यूनी पॉजिटिव। समझ आ रही है? वेरी गुड। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए कोई भी मेटल तब स्टेबल होता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। ठीक है। हम इसको किस तरह से लिखें, इस मार्कर से लिखते हैं। मेटल क्या करेगा, वन इलेक्ट्रॉन लॉस, वन इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब जैसे सोडियम को ले लीजिए। ठीक है ना। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, ठीक है ना, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। जैसे देखो 1s2 2s2 2p6, तो कितने हो गए इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन किसके बारे में बताता है, नियोन। पसंद में आ रही है ना। वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग हैलोजन के बारे में। हैलोजन क्या करता है, गेन वन इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ जाइएगा, हालांकि ना दिख रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूं साथ में, तो आप लिख सकते हो। ठीक। चलिए अब बताइए ये कैसे करेगा अपना नोबल गैस कंप्लीट।
तो देखिए हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, एच पे माइनस, ठीक है ना। लाइक किसकी तरह दिखेगा ये, हीलियम की तरह। समझ में आ रही है, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हालांकि यहां पर देखा जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसकी तरह, किसकी तरह, नोबेल गैस की तरह। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास हो जाएगा क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, मैंने बता रखा था, जैसे किसी को भी ले सकते हो, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो किस तरह का बना देगा। हाँ, तो देखिए यहां पर हम इसकी एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है ना, यानी तो बताइए इसे कितना होता है, जब आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहे थे तो बताया गया था, ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी हो जाएगी 520 किलो जूल पर मोल। बात समझ में आ रही है। फिर इसी तरह से देखिए, हालांकि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को इजिली डोनेट कर देता है, ठीक है ना। एटम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, बात समझ में आ रही है, तो इजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। लेकिन जब नोबेल गैस की बात करते हैं तो नोबेल गैस इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट नहीं करता, क्या करता है वो, एक्सेप्ट करता है। बात समझ में आती है। अगर वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ध्यान, ये डेटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है अप्रोक्स आपके पास होता है कितना, 1680 किलो जूल पर मोल। ठीक, उसी तरह से हाइड्रोजन का जो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आपके पास अप्रोक्स हो जाता है 1312 किलो जूल पर मोल। ठीक, तो बताइए यहां पर हाइड्रोजन का एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर है, इसके या इसके, तो हाइड्रोजन की तरह, इसलिए क्या करता है, प्रॉपर्टी इसकी तरह शो कर रहा है, इसलिए हम लोग कभी कभी इसको कहा रखते हैं, हाइड्रोजन के साथ रखते हैं। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। एक और बात करते हैं, आयोनिक रेडियस, किसकी, आयोनिक रेडियस, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इसकी जो आयोनिक रेडियस होती है किसकी, यानी इसकी आयोनिक जो रेडियस होगी वो 76 पिकोमीटर होता है, किसका, अल्कली मेटल का। बात समझ में आती है। और इसका जो होगा हैलोजन का, लगभग आपके पास 50 to 200 पिकोमीटर होता है। ठीक, फिर लास्ट बचता है हमारे पास इसका, तो कुछ नहीं, 5 × 10⁻³ पिकोमीटर। बताइए यहां पर जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, इसकी आयोनिक रेडियस जो दिख रहा है, क्या वो इन दोनों में से किसी के साथ मैच कर रहा है, देखिए यहां पर 0.00 समथिंग आएगा, ठीक है ना। यानी ये एक बहुत ही स्मॉलेस्ट साइज है हाइड्रोजन का। बात समझ आ रही है ना, ना तो इस मतलब ये जो साइज है, ना तो मेटल के साथ मिल रहा है और ना ही हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है। बात समझ में आती है। यही कारण है कि ना तो हम लोग हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के साथ रख पाते हैं और ना ही हाइड्रोजन के साथ रख पाते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसकी आयोनिक रेडियस है इन दोनों में से किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए हम एक और पॉइंट यहां पर लिखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज
टोटली डिफरेंट, क्या होता है टोटली डिफरेंट होता है। बात समझिएगा फिर से, देखिए अल्कली मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या है, NS1 और इसका भी क्या है 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं अल्कली मेटल के साथ कभी कभी रखते हैं, ठीक। उसके बाद आयंस की बात करते हैं तो देखिए इस पे प्लस हो कर रहा है और इस पे माइनस हो कर रहा है, हैलोजन पे क्या शो कर रहा है माइनस, बट यहां पर देखिए दोनों ही शो कर रहा है, इसलिए क्या करते हैं दोनों में हम कभी कभी इन हाइड्रोजन को रखते हैं। उसके बाद स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो मेटल एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके नोबल गैस की तरह दिखाता है, ठीक, शो करता है उसके बाद यानी कॉन्फ़िगरेशन उसका, और जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, ठीक। बट हाइड्रोजन क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या कर रहा है सेम आ रही है, इसलिए हम हाइड्रोजन को कभी कभी हैलोजन के साथ रखते हैं। यहां पर भी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो लिथियम क्या कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा इसका 520 किलो जूल पर मोल। अच्छा इसको भी आप लोग लिख सकते हो, जैसे हाइड्रोजन के लिए एक्स क्या कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एक्स पे माइनस, यहां पर क्या कर रहा है हाइड्रोजन ध्यान दीजिएगा क्या करेगा वन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यहां पर एडिशन एनर्जी की बात कर रहा है ना, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां पे प्लस तो क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, फिर हाइड्रोजन भी क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो एच पे प्लस ध्यान दीजिएगा, ठीक। हाइड्रोजन ले सकते हो फ्लोरिन वगैरह, ठीक है। तो देखिए इनका आयनाइजेशन एनर्जी और इनका लगभग सेम आ रहा है लगभग में, ठीक है ना, इसलिए हम क्या करते हैं हाइड्रोजन को नोबल गैस के साथ रखते हैं। प्रॉब्लम कहां आती है इनके आयोनिक रेडियस पे आती है, ठीक। जैसे देखिए इसका क्या है 1.5×10⁻³ पिकोमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए इसका साइज क्या है वेरी स्मॉल, ध्यान दीजिएगा क्या है बहुत ही छोटा, ठीक, मतलब इसका जो साइज है ना तो इसके बराबर है ना ही इसके बराबर है, इसलिए हम हाइड्रोजन को ना अल्कली मेटल के साथ रख सकते हैं और ना ही हाइड्रोजन के साथ रख सकते हैं। बात समझ में आती है, यही हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस है, यानी बात समझिएगा फिर से, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज तो अल्कली मेटल के साथ शो करता है, मतलब हाइड्रोजन कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल के जैसा शो करता है कुछ हाइड्रोजन की तरह, बात समझ में आ रही, यहां तक समझ में आता है। बट कुछ ऐसे भी है ना तो अल्कली मेटल की तरह प्रॉपर्टी शो करता है और ना ही हैलोजन की तरह शो करता है, इसलिए हम लोग उसको ना अल्कली मेटल के साथ रखते हैं और ना हैलोजन के साथ रखते हैं। कहां पर रखते हैं सेंटर पॉइंट पे रखते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग हाइड्रोजन के बारे में, अकरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए आप लोग लिखिए पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको ध्यान से लिखना, ठीक है ना, नोट्स अच्छे से बनाना, जो इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उन सबको मैं यहां पर इंक्लूड कर दूंगा, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अकरेंस ऑफ डाइहाइड्रोजन, ध्यान से समझिए क्या अकरेंस ऑफ डाइहाइड्रोजन, अब इसका मतलब क्या है तो ध्यान से समझिएगा, हाइड्रोजन यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, क्या है हाइड्रोजन यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं पहला पॉइंट, देखिएगा दिखेगा कि नहीं, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, कितना लगभग तो ध्यान रखिएगा हमेशा कभी कभी पूछा जा सकता है 70% ऑफ मास किसका यूनिवर्स, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, जो सोलर एटमॉस्फेयर है उसका प्रिंसिपल एलिमेंट बोला जाता है किसको,
हाइड्रोजन को। बात समझ में आती है? वेरी गुड। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ सोलर एटमॉस्फेयर। वेरी गुड, ठीक। उसके बाद एक और होता है हमारे पास, जिसका नाम सुने होंगे आप लोग, जुपिटर सैटर्न, ठीक है ना। यानी जो हमारे जुपिटर और सैटर्न है, यानी बड़े प्लैनेट्स है, उसके अंदर ज्यादातर क्वांटिटी में कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं जुपिटर एंड सैटर्न आर मोस्टली ऑक्यूपाइड बाय H2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख सकते हैं हम लोग, लेस अबंडेंट, लेस अबंडेंट मतलब 0.15% बाय मास इन अर्थ, ठीक। एटमॉस्फेयर एंड 15.4% एच होल ऑन अर्थ। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं, सब ऊपर ऊपर से जा रहा है ना। कहने का मतलब ये जो एटम है, ठीक है ना, वो अर्थ पे क्या है, बहुत कम पाया जाता है, ठीक है ना। कितना? लगभग 0.15। लेकिन अगर यहां पर हम बात करते हैं अर्थ पे जितने भी कंपाउंड है उन सबको अगर मिला दिया जाए तो कितना परसेंट हो जाता है? 15.4% होता है। बात समझ में आती है? उसके बाद जो हमारा हाइड्रोजन है वो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, एनिमल टिश्यू, प्लैनेट्स, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाइड्रेट्स वगैरह सब में पाया जाता है। तो हम लोग इसलिए क्या है, हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो फाउंड, बढ़िया से लिखेगा आप लोग, फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स फिर कार्बोहाइड्रेट। आप लोग पढ़िएगा भी बायोमोलिक्यूल्स में काफी अच्छे से, प्रोटीन हाइड्रेट्स, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ध्यान से समझिएगा, मतलब जो हाइड्रोजन है किसके अंदर, ऑल्सो फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और किसके अंदर, हाइड्रेट्स वगैरह एडीसी में पाया जाता है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसमें कोई शक नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। आप लोगों ने नाम सुना भी होगा और नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अब सुनिएगा, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। यार इस साल 2020 में जेई मेंस ने यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, इसलिए ध्यान से थोड़ा सा पढ़िएगा, क्वेश्चन कभी भी कहीं से आ सकता है, ठीक। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं आइसोटॉप्स पे, ठीक। देखिए पहले बात तो आइसोटॉप्स होता क्या है, आइसोटॉप होता क्या है, जैसे कोई एलिमेंट है, सेम एलिमेंट होगा ना, तो ध्यान से समझिएगा, उसका एटॉमिक नंबर सेम हो। बात समझ में आ रही है?
एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंस हो, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स। अरे सिंपल सी बात है, जिसके टोपी में डिफरेंस हो, लाइक यहां पर ये एलिमेंट है, ठीक, तो ये क्या होता है ए, अरे क्या हो गया जेड एटॉमिक मास, अरे क्या हो गया आपके पास एटॉमिक नंबर, तो ये ऊपर में था टोपी, बोलो आइसोटॉप्स, मतलब जिसके टोपी में डिफरेंस हो, मतलब ऊपर वाले में, मतलब क्या हो गया एटॉमिक मास में डिफरेंस हो, सो क्या बोलेंगे यहां पर आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं, थ्री आइसोटॉप्स होते हैं, कौन कौन से होता है आपके पास, प्रोटियम, ठीक है ना, उसके बाद ड्यूटेरियम, तीसरा होता है हमारे पास ट्राइटियम। तो हम लोग बात करेंगे यहां से, हम लिख दो क्या, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोटॉप्स, ठीक है ना। चलिए हाइड्रोजन के हमारे पास तीन आइसोटॉप्स है, देखिएगा नीचे दिख रहा है ना, तीनों मार्कर एक ही कलर का है, ये होता है हमारे पास पहला, दूसरा हमारे पास ड्यूटेरियम और तीसरा होता है हमारे पास ट्राइटियम। टी से डिनोट करते हैं इसको, डी से डिनोट करते हैं, और इसको पी नहीं एस से डिनोट करते हैं। बस समझ में आ रही है, वेरी गुड, समझ में तो आना चाहिए, कोई बड़ी चीज है नहीं, ध्यान से। इसी साल कभी और नहीं 2020 में क्वेश्चंस आया है, ठीक है ना, अब ऐसा नहीं कि इसको लेकर बैठ जाएंगे। चलिए हम इसके अंदर बात करेंगे, पहले नंबर इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यहां से दिख नहीं रहा होगा, यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन, बताओ इसे कितना होता है प्रोटियम का, वन, इसमें भी वन और इसमें भी क्या हो जाएगा वन, कोई दिक्कत नहीं। अरे अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो यहां से देख लो, ये हाइड्रोजन है ऊपर यहां पर, हालांकि मेरे को यहीं पे लिख देना चाहिए था, लिख ही देता हूं, मार्कर का है, देखिए वन वन, यहां पर वन टू, यहां पर वन थ्री, ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि प्रोटॉन, इसमें कितना है वन, इसमें प्रोटॉन कितना होगा और इसमें इतना होगा, ठीक। अब आ जाइए, अरे एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल गैस, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तीनों एक ही बंदा को बोलते हैं अपन, ठीक है ना। जैसे यहां पर मान लीजिए एक्स है, तो ऊपर में क्या दिया हुआ है ए और ए क्या दिया हुआ है जेड, जेड एटॉमिक नंबर को बोलते हैं एटॉमिक मास, ठीक। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ क्या हो गया प्रोटॉन हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वही हो गया, बट न्यूट्रल गैस में उसमें कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद यहां पर समझिए, इसी को नंबर ऑफ सेरिप्ट चार्ज भी बोलते हैं, नया नाम सुन रहे होंगे लेकिन नया नहीं है पुराना है, यानी सेरिप्ट चार्ज भी बोलते हैं। अब आ जाइए बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था जेई में इस साल, ठीक है ना, कि न्यूट्रॉन्स कितना होता है, तो ध्यान दीजिए बताइए न्यूट्रॉन्स निकालते कैसे हो, मैं इसको मिटा देता हूं पहले, देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास कोई एलिमेंट है, ये ऊपर एटॉमिक मास और ए एटॉमिक नंबर, इसी को बोलते हैं अपन क्या चीज, एटॉमिक नंबर, ठीक, या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, या इसी को बोलते हैं अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट इन न्यूट्रल केस, समझ आ रही है, इन न्यूट्रल केस, ये क्या हो गया हमारे पास एटॉमिक
मास, इसी का दूसरा नाम होता है सुपर सेरिफ मास। इसको कभी कभी बोलते हैं अपन सेरिफ चार्ज, ध्यान रखना। अब आ जाइए, ध्यान रखिएगा, ये देखिए हमें न्यूट्रॉन्स पूछा है। न्यूट्रॉन्स क्या होता है? बस कुछ नहीं, आप लोग तो जानते होंगे, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना तो हमारे लिए आम बात है, बट बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, ए माइनस जेड, मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब यहां पर निकालिए एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, वन वन है तो जीरो, आप पास समझिए टू में से वन हटाइए तो वन, और इसका कितना हो जाएगा थ्री में से वन हटाइए तो टू हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। एक और पॉइंट हम लोग डिफाइन करते हैं यहां से, जिसका हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन मैं लिखवा देता हूं, ठीक है, अलग कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने मन से लिखवा देता हूं। एक होता है हमारे पास डेंसिटी, ठीक, इसका होता है 0.09 ग्राम पर लीटर, ठीक, इसका होता है 0.018 ग्राम पर लीटर, और इसका होता है 0.027 ग्राम पर लीटर, ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि ये रफ में लिखिएगा, ये मैंने ऐसे लिखा दिया, बता दिया, हालांकि लिखने की जरूरत भी नहीं, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक, वेरी गुड। चलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं, लिखते हैं यहां पर, पहले सो नोट कीजिए, आप नोट करने से अच्छा ना स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक, उसके बाद उसका नोट्स बना लेना, वेरी गुड। अरे तुम लोग समझदार वास थोड़ी ना, कब से, चलिए मैं पहले इसको साफ करता हूं, चाहे लिखना हो तो लिख लेना, चलो पॉइंट समझिएगा फिर से, ये तो क्लियर होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तीन इसके आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यानी हाइड्रोजन होता है प्रोटियम जिसको बोल रहे हैं आप, ठीक, मैंने अच्छा इनका परसेंटेज भी मुझे लिखाना था, कितना कितना पाया जाता है यहां पर, ठीक है, तो यहां पर तो लिख नहीं पाया, चलिए ठीक है मैं लिखवा दूंगा इसको। यहां पर देखिए एक पॉइंट मैं बता रहा हूं आपके पास, ट्राइटियम, ध्यान दीजिएगा, ट्राइटियम इज अ रेडियो एक्टिव एंड इमिट लो एनर्जी, ध्यान रखिएगा हमेशा, ट्राइटियम एक कैसा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है ना, अरे एनर्जी को बहुत कम इमिट करता है, निकालता है, ठीक। और एक बात और यहां से हमेशा हम लोग देखते हैं, कभी कभी हालांकि पूछा तो नहीं गया है लेकिन AIPMT अभी तो नहीं, नीट अभी कर दिया है, पहले जो AIPMT लेती थी दो पेपर, PT वगैरह, तो PT में पूछा हुआ है, ठीक है ना, कितना होता है इसका हाफ लाइफ, 12.33 ईयर्स, मतलब तुम पूछोगे कि ये हाफ क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होता है, तो आप जब केमिकल काइनेटिक्स 12th में पढ़िएगा तो वहां पर बताया जाएगा, ठीक है ना, कि जो इनिशियल टाइम जीरो पे जो वैल्यू होती है उसका हाफ कर दीजिए, उसे क्या बोलते हैं अपन, हाफ लाइफ, नहीं समझ में आया तो वहां पर अच्छे से समझ जाइएगा, वेरी गुड, मतलब अरे कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक, तो वो ए से पी बना रहा है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है, अगर टाइम जीरो पे अगर उसकी वैल्यू ए लेते हैं, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो, प्रोडक्ट तो जीरो होगा ना, तो ध्यान रखिएगा टाइम जीरो पे जो उसकी वैल्यू ए लिया गया है ना, तो उसका हाफ कर दीजिए, इज कॉल्ड हाफ लाइफ, ठीक है ना, हाफ लाइफ बोलते हैं, तो कितना है इसका, 12.33 ईयर्स, ठीक, वेरी गुड। यहां पर बात करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, कोई समस्या हो
तो आप लोग बता देना ठीक। चलिए एक और पॉइंट, हालांकि ये जो सेपरेट किया गया था तो एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है ना। वो कब मिला था? तो 1934 में मिला था। नाम था यूसी दर्गेगा। इन 1934 क्या मिला था? नोबेल प्राइज। क्यों मिला था? क्यों मिला था? तो ध्यान दीजिएगा, बाय फिजिकल सेपरेशन। इसके लिए फिजिकल सेपरेशन के लिए इसको मिला था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, यूसी हम लोग इसको बोलते हैं, हालांकि इसका नाम है जोसेफ सी यूरे, ठीक है ना। जोसेफ सी यूरे, पूरा लिख दूं क्या? लिखने की जरूरत नहीं है। सी यूरे, ध्यान से, जोसेफ सी यूरे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखिए, जल्दी नोट कीजिए। हो गया, चलो ये हो गया आपके पास। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में, ये क्या होता है, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा इसका? जीरो। यही था आपके पास जेई का क्वेश्चन, जेई 2020 का, ठीक है ना। क्या रखिएगा, हालांकि यहाँ पर इनकी परसेंटेज भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा, यहां से लिख लीजिएगा। मैं यहां से लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्राइटियम है। तो जो अबंडेंस पाया जाता है कितना होता है, 99.9%। ये जो होता है आपके पास ड्यूटेरियम 0.015%, और ट्राइटियम जो होता है हमारे पास 10^-15% पाया जाता है। हालांकि यहीं पर लिखना था, आप जब लिखिएगा नोट्स बनाइएगा तो जैसे तीन कॉलम बनाए ना, 1, 2, 3, तो आप क्या करना है, एक और नीचे बना लेना, वेरी गुड। चलिए आप लोग बहुत समझदार ना, चलिए ठीक है, अपन मिटाते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन बात करते हैं इनकी प्रिपेरेशन, मतलब हाइड्रोजन को किस तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, लेबोरेटरी प्रिपेरेशन एंड कॉमर्शियल प्रिपेरेशन, ठीक है। ओके, थैंक यू।